Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. कल वेनसडे क्या निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये आज का निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो निफ्टी इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया, तभी एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल को एक टच करके यहाँ से बाउंस बैक हुआ। जैसे फिर से बाउंस बैक हुआ तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने देखिए कैसे रेजिस्टेंस फेस किया। काफ़ी जॉपी मार्केट था शुरू के वक्त में, फर्स्ट सेशन फिर 12-1 बजे तक जैसे यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी भी पॉजिटिव वे में ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और जैसे ही 12-1 बजे के बाद जैसे यूरोपियन मार्केट्स ओपन हो चुके, वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला साफ तौर पे, और फिर निफ्टी में भी उसका असर हमें देखने को मिला। जैसे ही फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट के पास एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया, बाउंस बैक हुआ, फिर दूसरे अटेम्प्ट में इसने फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों को भी अचीव कर लिया, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 23 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 17,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। अभी ये था कल के एनालिसिस का रिव्यू। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते, एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट है। कल जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखा था कि ये जो 900 पॉइंट्स का जंप है यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला है, इसका 61.8% का लेवल यहाँ पर इसने कल के दिन यहाँ पर ओपन हुआ था और यहाँ से ही बाउंस बैक हुआ था, लेकिन आज फिर से 61.8% के लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो 14,500 सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी इंडेक्स फिर से 100 EMA के आसपास आ जाएगा। जो 900 पॉइंट्स का बढ़त है वो फिर से पूरी तरह गंवाते हुए निफ्टी इंडेक्स दिखाई दे सकता है। तो लेकिन ये दो चांसेस होते हैं, 50% और 61.8% का लेवल जहाँ से हमें बाउंस बैक की उम्मीद होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया 90% टाइम, 80-90% की यहाँ से बाउंस बैक देख के फिर से निफ्टी इंडेक्स यू टर्न ले लेता है, लेकिन देखते हैं कल अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो निफ्टी इंडेक्स 100 EMA तक आ जा सकता है, जो कि 14,237 के पास इस वक्त है। तो ये फिलहाल डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल ये जो एक ज़बरदस्त रेड कैंडल बना है इधर, लॉन्ग रेड कैंडल, उसका लो अगर ब्रेक कर देता है, यानी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विंग लो बना के ये बाउंस बैक हुआ था, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है ये लेवल जहाँ पर 61.8% का भी लेवल आ रहा है। तो 14,458 को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,437, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,419, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक होने दीजिए, ये लॉन्ग कैंडल जो है रेड कैंडल उसको भी ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेवल यानी अराउंड 14,652 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,675, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,697, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन लेवल देखें तो आज जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था वो सेम कल के लिए भी रहेगा, यानी वेनसडे 5 मई के लिए, और ऊपर की तरफ थोड़ा ब्रेकआउट लेवल को शिफ्ट कर देते हैं, यानी 32,763 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, और फर्स्ट टारगेट होगा तभी 32,863, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,958, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स और निफ्टी के कल के लिए यानी 5 मई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।